संत पॉल कॉलेज रांची झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और बेस्ट कॉलेज में से एक है। तो आज हम लोग इसी कॉलेज का कैंपस टूर करने वाले हैं और 11th में या फिर ग्रेजुएशन में कैसे यहां पर एडमिशन लिया जा सकता है, एडमिशन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, उसके साथ में यह कॉलेज कितना अच्छा आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव, आप देख रहे हैं रांची जोन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज रांची जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो संत पॉल कॉलेज है, यह एक प्राइवेट कॉलेज है जो रांची के बहु बाजार में सिचुएटेड है, बोला जाए तो चर्च रोड में ही सिचुएटेड है। यहाँ पर अगर आप ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं ट्रेन के माध्यम से तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यह जो संत पॉल कॉलेज है रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है, बोला जाए तो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही यह जो कॉलेज है सिचुएटेड है। तो आप जो है ट्रेन के माध्यम से भी ट्रैवलिंग करके यह कॉलेज आ सकते हैं आसानी से। बात की जाए सबसे पहले कि यहाँ पर एडमिशन 11th में कैसे लिया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले जो है अच्छा खासा परसेंटेज चाहिए, क्योंकि यह एक प्राइवेट कॉलेज है और यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस में तो सबसे पहले आपके पास अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए। बोला जाए तो कम से कम आपके पास 60+ परसेंटेज होने चाहिए आपको अच्छा स्ट्रीम में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप साइंस में लेना चाहते हैं तो शायद आपको 65+ मांगा जा सकता है, और अगर आपको आर्ट्स या फिर कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो आपको 60+ मांगा जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है अच्छे खासे परसेंटेज के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए, आपका एडमिशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 11th में एडमिशन लेने के लिए फीस कितना लगेगी, तो लगभग 9,000 से लेकर 15,000 तक आपको यहाँ पर पे करने हो सकते हैं एक साल का। लेकिन सबसे अच्छी और खास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन कराते हैं अच्छा खासा रकम देकर, जैसे कि 9,000 से लेकर 15,000 या फिर 30,000 के बीच में, तो आपकी जो पैसे हैं वह झारखंड गवर्नमेंट ई कल्याण स्कॉलरशिप के थ्रू रिटर्न भी कर देती है, तो यह सबसे खास बात है। उसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको जितनी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है, हालांकि मिलती है लेकिन उतनी नहीं मिलती है जितना मिलना चाहिए। जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप अगर 15,000 का एडमिशन लेते हैं किसी सब्जेक्ट में तो आपको जो है 30,000 रिटर्न हो जाती है स्कॉलरशिप के थ्रू। अगर आप 30,000 का एडमिशन कराते हैं तो आपको 60,000 रिटर्न हो जाती है। ये खास बात है गवर्नमेंट कॉलेज की, जबकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसी नहीं होती है। उसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है बहुत सारे आर्ट्स और बहुत सारे साइंसेज के सब्जेक्ट में एडमिशन लिया जा सकता है, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स ऑनर्स किया जा सकता है और जूलॉजी ऑनर्स ज्योग्राफी ऑनर्स, यहाँ पर बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि सोशल साइंस हो गया और हिंदी में हिंदी ऑनर्स करना है, इंग्लिश ऑनर्स करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट में किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल सब्जेक्ट में भी डिग्री लेना चाहते हैं जैसे कि IT हो गया, BCA हो गया, BBA हो गया, तो आप यहाँ पर से बिल्कुल ले सकते हैं। उसके अलावा रांची झारखंड के आप टॉप कॉलेजेस और टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए रांची जोन को जरूर सब्सक्राइब करें और चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें।